हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। आज मैं आपके सामने एक पंजाबी सब्जी लेके आई हूँ जो चीजी और यमी दोनों ही है, चीज बटर मसाला। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चीज बटर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए चीज। मैंने चीज की जो 2 क्यूब है उसके पीसेस कर लिए हैं ऐसे स्क्वायर में, बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 चीज की क्यूब मैंने ग्रेट कर ली है। बटर लिया है थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून। फिर मैंने मगजतरी के बीज, खसखस और काजू का पेस्ट बना लिया है। इसे मैंने हाफ और भिगो के रखा था और स्मूथ पेस्ट बना लिया एकदम। प्याज, एक बड़ा प्याज है उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। टोमेटो प्यूरी बना ली है। टोमेटो भी मैंने 2 बड़े टमाटर उसे मैंने बॉईल कर लिया पहले, फिर उसकी प्यूरी बना ली है छिलके निकाल के। हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। सूखे मसालों में मैंने एक रेड चिली ली है, टच और लौंग लिए है 2 से 3 पीस, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, शुगर ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले वरना इसे अवॉइड कर सकते हैं। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, कसूरी मेथी और गरम मसाला। सबसे पहले पैन में हम बटर लेंगे और हमारा बटर जल ना जाए इसलिए हम एकदम थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे उसमें। अगर आप ओनली बटर लेंगे तो वो जल जाएगा। इसमें खड़ी लाल मिर्च, लौंग और तल डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। जो ऑनियन की प्यूरी थी वो डालेंगे। इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अब इसमें टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे, इसे भी 5 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं और इसमें हम पेस्ट बनाया था जो काजू का वो डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी शुगर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी मसालों को। देखिए हमारे ग्रेवी को अब हम पका लेंगे 5 मिनट तक। उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और इसे 5 मिनट तक पका लेंगे, तब तक हमारा बटर और ऑयल छूट ना जाए और ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए। ग्रेवी को आप गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से कर रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी अगर आपको लूज करनी है ग्रेवी तो, पर ये मेरी परफेक्ट ग्रेवी है। देखिए अब ऑयल छूटने लगा है, हमारी ग्रेवी रेडी है। अब इसमें जो मैंने ग्रेट किया था वो थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और बाकी का चीज़ हम सर्व करेंगे तभी डालेंगे डिश में। फ्रेंड्स हमारा चीज़ बटर मसाला परोसने के लिए तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मैंने ग्रेवी को ले लिया है डिश में, अब इसमें चीज़ डाल देंगे, थोड़े क्यूब डाल देंगे और थोड़ी जो हमने चीज कसी थी वो डाल देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी चीजी और टेस्टी चीज बटर मसाला। ये बहुत ही टेस्टी और यमी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।